मित्रों नमस्कार, मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका मित्र योगेश गॉड एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल आपका वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों अब नए कानून में किसी महिला को बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर होगी 3 से 5 वर्ष तक की सजा। मित्रों फेसबुक तथा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां करोड़ों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिकांश पुरुष फेसबुक तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से महिलाओं से जुड़ना चाहते हैं जिसके लिए वे उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और एक बार फ्रेंड रिक्वेस्ट यदि महिला के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती है तो दोबारा भेजते हैं और कभी कभी कई कई बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। लेकिन यह कार्य अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस धारा के अंतर्गत इसे पीछा करना अर्थात स्टॉकिंग कहा गया है। यह धारा कहती है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्यायन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बार बार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है या जो किसी महिला द्वारा इंटरनेट ईमेल या अन्य किसी प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है पीछा करने का अपराध करता है। इस प्रकार फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर बार बार किसी महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति प्रथम बार ऐसा अपराध करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है और एक बार दोष सिद्ध होने के बावजूद वह व्यक्ति दोबारा इसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो मित्रों यदि आपके द्वारा किसी महिला को फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर एक बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और वह महिला उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपको उसे दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप इस अपराध से बच सकते हैं। तो मित्रों यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।